तो लगातार हालात तनावपूर्ण यहां पर बने हुए हैं, जहां पर पानी की बौछार आप देख रहे हैं। एक तरफ किस तरीके से लोगों को खदेड़ने के लिए किया गया, और वहीं पुलिस प्रशासन और खुद एसपी कहते हैं कि सुनियोजित तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम यहां पर दिया जाता है, जबकि पहले से ही अलर्ट रहने के लिए कहा गया था, पहले ही ये कह दिया गया था कि प्रदर्शन लोग बाहर निकल कर करेंगे अगर सरकार इस पर किसी भी तरीके की कार्रवाई यहां पर नहीं करती है। वहीं बाजार भी आज बंद किए गए। तो हंगामा लगातार लोग कर रहे हैं, प्रदर्शन लगातार जारी है। जब तक कार्रवाई अवैध निर्माण के खिलाफ नहीं होगी, तब तक ये विरोध प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा। जिस तरीके से लोगों ने लगातार इसे लेकर विरोध पिछले दिनों के साथ ही किया है, और वहीं कल वो तस्वीरें भी पूरे देश ने देखी, आखिर कैसे तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आए और लगातार कार्रवाई की मांग यहां पर की, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। और वहीं दलीलें सरकार की तरफ से अलग अलग तरीके से दी जा रही है। कोर्ट का मामला जो है वो कोर्ट में है पूरा मामला, इस तरीके की दलील जो है वो दी जा रही है, लेकिन कार्रवाई ना होना इस अवैध निर्माण को लेकर गंभीर सवाल यहां पर उठाता है। आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? इसकी पीछे वजह यह है कि जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर किसी भी तरीके का रिस्क जो है वो इस वक्त कांग्रेस सरकार हिमाचल में नहीं लेना चाहती। वहीं महाराष्ट्र और कश्मीर में मुस्लिम वोट बैंक है, जिसे साधने की कोशिश है। मस्जिद पर एक्शन से ये वोट बैंक खिसक सकता है, इसमें नाराजगी फैल सकती है। महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी AIMIM पूरी तरह से एक्टिव है, वहीं महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट बैंक भी यहां पर नुकसान पहुंचा सकता है। जम्मू कश्मीर में PDP से कांग्रेस को पूरी तरीके से खतरा है, वहां नुकसान हो सकता है वोट बैंक का। वहीं कश्मीर में मुस्लिम वोट हथिया सकती है PDP, यानी PDP के खाते में वोट बैंक जा सकता है। उधर हरियाणा की 2 से 3 सीटों पर मुस्लिम वोट बेहद अहम माना जाता है, जहां पर नुकसान यहां पर कांग्रेस पार्टी को हो सकता है। और इसीलिए अभी तक इतने विरोध प्रदर्शन के बाद हालात तनावपूर्ण होने के बावजूद भी किसी तरीके की कार्रवाई इस अवैध निर्माण के खिलाफ नहीं की गई है। यानी पूरा मसला इस वक्त विधानसभा चुनाव के मद्देनजर घूमता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो हरियाणा की बात हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात हो, या फिर महाराष्ट्र की। और लोग लेकिन इसके बावजूद सड़कों पर हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन लगातार जारी है, और सवाल उठाए जा रहे हैं कि अवैध निर्माण जो कि साफ साफ सामने प्रत्यक्ष तौर पर इस वक्त खड़ा हुआ है, उस पर आखिर कार्रवाई ना करना प्रशासन का की जो विफलता है और प्रशासन की जो मंशा है वो साफ तौर पर इस वक्त दिखाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो प्रदर्शन कल सड़कों पर किया गया, लाठियां जिस तरीके से भांजी गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लोगों को चोट भी आई, घायल कई लोग यहां पर हुए हैं, उसे सुनियोजित तरीके से करने की बात यहां पर पुलिस प्रशासन इस वक्त कह रहा है। उनका कहना है कि इसे पूरी तरीके से प्रीप्लान किया गया था, जबकि हिंदू संगठनों ने कहा था कि वो जब तक की कार्रवाई इस अवैध निर्माण के खिलाफ नहीं होती है वो इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। और अभी भी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हिमाचल के शिमला से, जहां पर बाजार बंद का आह्वान किया गया, बाजार आज पूरी तरीके से बंद है। एक तरफ BJP लगातार सवाल उठा रही है कि पर्यटन पर ध्यान सरकार का होना चाहिए, कानून व्यवस्था पर जो है वो होना चाहिए, लेकिन कैसे हालात पूरी तरीके से चरमरा गए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति इस वक्त हिमाचल में सुक्खू सरकार कर रही है। ये जो हमारा प्रदर्शन है ये नाच से शुरू और ये आपका DCOB तक जाएगा, और उसके बाद हमारा कोई वो नहीं है। बाकी बाजार हमारी 10 बजे से 1 बजे तक की कॉल है, और हम बस यही चाहेंगे कि जो सरकार से प्रशासन से मांग करेंगे कि जो अगर अवैध है तो उसको तोड़ा जाए, अगर सही है उसका बताया जाए कि वो सही है, बस हमारा ये है। और लाठी चार्ज की जो कल हुआ उसकी हम कठोर निंदा करते हैं। काफी संख्या में लोग आए आपके साथ, ये पूरा व्यापार मंडल घनाटी से लेके हमारा जो घनाटी मिशोबरा डली यहाँ तक व्यापार मंडल फैला है,
वो सबका समर्थन हमारे पास है और व्यापारी अपनी अपनी जगह पे भी समर्थन कर रहे हैं और यहाँ पे भी आए हैं, हम सबका धन्यवाद करते हैं। लोगों के लिए यही मैसेज देना चाहेंगे कि हम व्यापारी बाद में हिंदू पहले हैं, अपने धर्म की रक्षा के लिए जो भी होगा हम उस करने के लिए तैयार हैं। राजकुमार अग्रवाल। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां अब सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा बढ़ गया है क्योंकि अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया, ना बातचीत की कोशिश की गई है। कल विरोध पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और अभी इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में, देखिए शिमला की ही तस्वीरें हैं, जो शिमला शांत रहता था आज वो उबल रहा है, गुस्से में है और लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। मांग यही है कि अवैध को यहाँ पर ना रहने दिया जाए, अवैध के खिलाफ कार्रवाई हो और उसी मांग को लेकर लंबे समय से देखिए अब ये प्रदर्शन चल रहा है। खुद सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है, उनकी ये दलील है कि कानून हाथ में ना लें, राजनीतिक रंग ना दें, लेकिन उन्होंने अब तक बातचीत की पहल नहीं की है और यही वजह है कि जनता बहुत आक्रोशित है। सरकार को यहाँ पर इन हालातों को संभालते शायद नहीं बन रहा है कि कल लाठीचार्ज हुआ है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है। मांडिया जिले में हुई हिंसा को लेकर एक और फुटेज आई सामने, दुकान के शटर पर पत्थर मारते नजर आया शख्स। मांडिया हिंसा का एक और वीडियो सामने आया है, सड़क पर उपद्रव करते दिखे आरोपी, हमला करने के बाद दुकान में छिपे थे। मांडिया में हंगामे के बाद हालात तनावपूर्ण, इलाके में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च तो बढ़ाई गई सुरक्षा। मांडिया में गणेश विसर्जन के दौरान हिंसा के मामले में कार्रवाई तेज हो गई है, अब तक 52 लोगों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ जारी। राजस्थान के पाली में 25 साल बाद बांध हुआ ओवरफ्लो, लोगों में खुशी की लहर, तो वहीं ढोल नगाड़ों के साथ लोगों ने मनाया जश्न, मिठाई खिलाकर दी बधाई। नागपुर हिट एंड रन मामले में पुलिस ने महाराज बीजेपी प्रमुख के बेटे को लेकर किया बड़ा दावा, बीफ खाने की बात से किया इनकार, बीते सोमवार को बीजेपी चीफ के बेटे ने कई लोगों को मारी थी टक्कर। चंडीगढ़ हमले में जांच एजेंसियों को मिले अहम सुराग, तो वहीं पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी आतंकी रिंदा पर हमले का शक। मस्जिद विवाद पर बोले शिमला के एसपी संजीव कुमार गांधी, विरोध प्रदर्शन को बताया सुनियोजित, कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। सभी लोगों ने देखा, आप लोगों ने भी देखा कि किस तरह सुनियोजित तरीके से पत्थरबाजी की गई, पुलिस के जवानों को इसमें चोटें आई हैं। तो ये सारा के सारा जितना भी जो घटनाक्रम हुआ है वो एक अपने आप में जो है वो व्याख्या करता है सभी चीजों। वहीं आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर ईडी की रेड, तो वहीं केयर टेकर से किए गए सवाल जवाब। आगे बढ़ेंगे अगली खबर का रुख करेंगे, जहां आपको बताएं कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा खुलासा कर दिया, अखिलेश यादव से गठबंधन टूटने की उन्होंने वजह बताई, कहा 2019 में गठबंधन के बावजूद 5 सीटें मिली थी, अखिलेश ने फोन उठाना बंद कर दिया था। कश्मीर के कुपवाड़ा में भारतीय सेना ने चलाया आतंकवाद विरोधी अभियान, तो वहीं खुफिया इनपुट के आधार पर तलाशी अभियान जारी। कुलगाम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, आतंकवादियों के ठिकाने का पता लगाया गया। औरैया एसपी रही चारू निगम, विदाई के समय हुई भावुक, तो औरैया से गाजियाबाद पीएससी में तबादले के बाद आईपीएस चारू ने वृद्धाश्रम में बुजुर्गों से मिलकर आशीर्वाद लिया। बहराइच में भेड़े की तलाश तेज हो गई है, ड्रोन कैमरों की मदद से तलाश की जा रही है, कैमरे में नजर आया भेड़िया। यूपी के सीतापुर में भेड़िए ने एक बच्ची पर किया हमला, तो वहीं पैर नोच कर किया घायल, गांव वालों के शोर बचाने के बाद भागा भेड़िया। अमेठी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, दूसरा बदमाश फरार हो गया। मेरठ में आपसी लड़ाई में हेलीकॉप्टर की लूट, पैसे नहीं देने पर दूसरे पक्ष ने लूट को दिया अंजाम, पुर्जा पुर्जा खोलकर ट्रक में लाद कर ले गए। मध्य प्रदेश के दतिया में गिरी दीवार, करीब 9 लोग मलबे में दबे, 2 लोगों की मौत और 2 को बचाया गया। कैलिफोर्निया में आग ने जंगल को किया तबाह, रिहायशी इलाके की तरफ पहुंची आग, तो आसमान में उठता दिखा धुएं का गुबार। ब्राजील के पराग्वे में खेतों में आग लग गई, चक्रवाती तूफान की वजह से आसमान में दूर तक उठता दिखा धुएं का गुबार, खेतों में आग फैलती दिखाई दी। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगातार फैल रही है आग, तो वहीं फायर फाइटर्स आग बुझाने की कर रहे हैं कोशिश, तो आसपास के इलाके को कराया गया खाली।
सर्बिया और हंगरी पर सूखे की मार पड़ गई है। द्वितीय विश्व युद्ध में डूबे जहाज सामने आए हैं। 1944 में ये जहाज डूबे थे। लुइसियाना के दुलैक में बड़ा हादसा, नदी के अंदर आपस में टकराए तीन जहाज। वहीं टक्कर के बाद जहाजों के नदी में डूबने की तस्वीरें सामने आई। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में सैन्य हथियार सम्मेलन के दौरान हंगामा हो गया, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। बवाल की तस्वीरें भी सामने आई हैं। और हमेशा शांत रहने वाली देवी देवताओं की भूमि हिमाचल में आज आक्रोश है। प्रदेश की राजधानी शिमला में बाजार आज बंद है, क्योंकि कल जिस तरह से यहां पर लाठीचार्ज हुआ उसी को लेकर के व्यापार मंडल ने आज बंद बुलाया। इससे जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। शिमला व्यापार मंडल, ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे जिसमें नारेबाजी करते हुए ये लोग आपको नजर आ रहे हैं। बाजार बंद का आह्वान आज किया गया था शिमला में अवैध मस्जिद निर्माण का मामला, और इसी पूरे मामले को लेकर लोगों में आक्रोश। पुलिस कार्रवाई के विरोध में आज बाजार बंद है। ये आपको शिमला के बाजार की तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं, जिसमें आपको महिलाएं भी नजर आ रही, पुरुष भी नजर आ रहे हैं। हाथ में बैनर लिए व्यापारियों का शिमला में विरोध प्रदर्शन, सुखों को जनता का अल्टीमेटम एक तरफ, वहीं दूसरी तरफ सीधे शिमला से लाइव कवरेज आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि व्यापार मंडल में आक्रोश, हिंदू संगठनों में आक्रोश, और ना सिर्फ हिंदू संगठनों और व्यापार मंडलों में बल्कि यहां पर जो प्रदेश की बाकी जनता है, ना सिर्फ शिमला अन्य जिलों से भी आई है, वो भी लगातार विरोध दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं जौली में पुलिस की तरफ से जो हिंदू संगठनों पर कल लाठीचार्ज हुआ, लोगों पर लाठीचार्ज हुआ, पानी की बौछारें छोड़ी गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, इसी के विरोध में ये लोग इस वक्त आप देखिए आक्रोश में है। बाजार बंद है शिमला का बाजार, जहां पर अमूमन भीड़ हमेशा रहती थी, माल रोड, इसके अलावा आपको ये भी बता दें लोअर बाजार, मिडल बाजार, इस सभी बाजार में हमेशा यहां पर भीड़ रहती थी, लेकिन आज बाजार बंद है। और सड़कों पर आज व्यापार मंडल है। शिमला की जनता है, मांग कर रहे हैं कि जो अवैध मस्जिद बनाई गई है वहां पर, जिसका अप्रूवल नहीं मिला था, और देखते देखते तीन मंजिला अवैध मस्जिद बना दी गई, अतिक्रमण किया गया, इसका विरोध किया जाए, इस पर कार्रवाई की जाए, इसको ढाया जाए। लेकिन आपको तीन तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहला, कल जो लाठीचार्ज हुआ, पुलिस नजर आ रही बड़ी संख्या में, और आप देखेंगे कि यहाँ पर कैसे घसीटा, कुछ लोगों को चोट लग गई, हालांकि पुलिस वालों को भी कल चोट आई है, लेकिन यहाँ पर जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनको भी गहरी चोटें आई, जिसमें महिलाएं भी शामिल। कल रिपब्लिक भारत के कैमरे पर एक महिला को आपने देखा जो कहते हुए नजर आ रही थी कि हम इसी तरह से अपनी आवाज बुलंद करेंगे, फिर चाहे पुलिस लाठीचार्ज करे, फिर चाहे कोई लाठीचार्ज करे, लेकिन हमारी मांग यही है कि जो अवैध मस्जिद बनाई गई है उसको ढाया जाए। ये बीच की तस्वीर आपको दिखा रही। दूसरे नंबर पर शिमला से लाइव तस्वीरें, जो कि व्यापार बाजार बंद बुलाया है वो आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त लाइव तस्वीरें वहां से सामने आ रही है, रिपब्लिक भारत वहीं पर है। तीसरी तस्वीर, आज शिमला बंद, बाजार बंद है। यहां पर इस सड़क पर हमेशा भीड़ रहती थी, पर्यटक घूमने के लिए आते थे, लेकिन आज चूंकि बाजार बंद है तो थोड़ी बहुत चहलकदमी आपको नजर आ रही है, जो लोग अपने काम पर जा रहे हैं। ये तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अवैध मस्जिद और इसकी कार्रवाई की मांग, पूरा शिमला इस वक्त आक्रोश में है। और ये वही शिमला है जहां पर हमेशा दूर दूर से पर्यटक ना सिर्फ देश भर से बल्कि विदेशों से भी लोग घूमने के लिए आते हैं। हमेशा से यहां पर शांति रहती है, लेकिन आज आप देखेंगे